आसमान से मुसीबतों की बारिश। लगातार बारिश से बिगड़े हालात। उफान पर नदियां, सड़कों पर सैलाब। घर आंगन में पानी, बढ़ी परेशानी। लचर व्यवस्था, बिगड़ी शहरों की सूरत। झारखंड में आफत की बारिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रामगढ़ से बड़ी खबर है, पतरातू डैम का चौथा फाटक भी खोल दिया गया है। पतरातू डैम का वाटर लेवल 1328 फीट आरएल पार कर चुका है। पतरातू डैम के चार गेट से पानी छोड़ा जा रहा है। सुबह डैम का तीसरा फाटक खोला गया था और अब अपडेट है कि चौथा फाटक भी खोल दिया गया है। निचले इलाके के लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। दामोदर नदी में बाढ़ की संभावना बढ़ती चली जा रही है। रजरप्पा में भैरवी नदी भी उफान पर है और नदी किनारे बांस से बनी दुकान पानी में डूब चुकी है। छिलका पुल पर आना जाना बंद हो गया है। गोला से रजरप्पा मंदिर की ओर जाना बंद हो गया है। और रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, कांके डैम का एक फाटक खोला गया है। कांके डैम में गाद वाला निचला फाटक भी खोल दिया गया। 28 फीट वाले कांके डैम में 9 से 10 फीट तक गाद भरा हुआ है और बताया जा रहा है कि निचला फाटक जो है उसे खोल दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त रांची से बता रहे हैं, कांके डैम के फाटक भी खोल दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक लगातार हो रही बारिश की वजह से डैम में भी पानी का जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है। रांची में पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। राजधानी के निचले इलाके पंडरा और पंचशील नगर में लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। हालात ये है कि मोहल्ले में मंदिर का कनेक्शन भी आम लोगों से कट गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी में सांप भी है, ऐसे में घुटने भर पानी के साथ सांपों से बच पाना भी एक बड़ी चुनौती है। बारिश से बिगड़े हालात का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। से लगातार हो रही बारिश से किस तरह जनजीवन प्रभावित है, गली मोहल्लों में जो बरसात का पानी जमा है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। देख सकते हैं कि हम इस समय राजधानी रांची के पंडरा के पंचशील नगर में है, जहां गली में इतना पानी है कि यहां लोग जो है तो मंदिर में पूजा करने आए थे जी। हाँ, तो कितनी मुश्किल हुई जी? मुश्किल तो हुई मुझे वहाँ से, अपने घर से, मेरा घर नज़दीक है, हालांकि मुझे उतनी मुश्किल नहीं हुई, पर जो उधर से आ रहे हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, उन्हें कई सारी मुश्किलों का सामना करके आना पड़ा। अभी तो ये बहुत कम पानी है, इससे पहले जो पानी आया था बहुत ज़्यादा था, इसका स्तर बहुत ज़्यादा था। आप यहाँ पे पैर में सांप आता है? हाँ, यहाँ पे पैर में यहाँ पर। अच्छा अच्छा, आंटी आंटी रुक रुक, क्या मुश्किल है, आप इतने डर क्यों रहे? डर रहे, सांप लटपटा जाता है पैर में, दोनों पैर में एक बच्ची को लटपटा गया था सांप। हाँ, दिखाएंगे, दिखाइए पानी कितना ज्यादा है गली में, घुटने भर पानी है, मंदिर भी नहीं जा पाते हैं एकदम से, अच्छा से एकदम हबरे 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 पूजा करके भागते हैं। मैं देख रहे हैं 3 नंबर में तो एकदम पूरा पानी भरा हुआ है। तो देखिए हम और अभी बारिश तो लगातार लगले है और इसमें तो बोले क्या आप ज्यादा, बाप रे बाप, एकदम पानी में हमको डुबा रहे हैं, एकदम 70 साल हो गया हमको, अब पानी में डुबा रहे हैं, सांप उपलट पटा जाएगा तो नगर निगम को देंगे हम अथी करके धर, खाली होल्डिंग चार्ज ले लेता है, कुछ करता नहीं है। पूजा करने जा रहा था, पूजा करने जा रहे थे, कुछ पहुंच ही नहीं पा रहे, क्या बोले, इतना इतना पानी वहां गए, इतना इतना पानी है। तो देखिए बारिश साहस सिखा रहा है और डर से लड़ना सिखा रहा है। कुल मिलाकर समझ आई कि 48 घंटों से हो रही लगातार बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है लोगों की और गली मोहल्लों में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची।
धनबाद में लगातार हो रही बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी है। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। दामोदरपुर और श्याम नगर विनोद बिहारी चौक के क्षेत्रों में हालत बेहद खराब हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। सड़कें नहीं होने की वजह से बारिश का पानी निकल भी नहीं पा रहा है। लोग किसी तरह घरों से पानी निकाल कर बचने की कोशिश कर रहे हैं। पानी से परेशान लोग प्रशासन से मदद की अपील कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई है। और ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए हर जगह जहां आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा। पानी अगर सड़क पर हो तो एक वक्त के लिए लोग काम चला भी लेते हैं, लेकिन अब पानी घरों के अंदर तक घुस चुका है और ऐसे में लोगों के किचन से लेके बेडरूम से लेके हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। लोगों की परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और अब प्रशासन से मदद की अपील कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की टीम अब तक मदद के लिए पहुंची नहीं है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये दो तस्वीर धनबाद की। बोकारो में पिछले दो दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश का असर अब दिखने भी लगा है। बोकारो के गरगा डैम का जलस्तर बढ़ने के कारण डैम के फाटक को खोल दिया गया। इसको लेकर गरगा नदी किनारे जिला प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। डैम का फाटक खुलने से जलस्तर में और बढ़ोतरी होगी। लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। किया है 3 दिन में तो थोड़ा थोड़ा हम लोग खोलेंगे उसको, जिससे कि लेवल कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि 2-3 दिन का बारिश है, बारिश कम होगा फिर बंद करेंगे। क्या अलर्ट दिया बोकारो वासियों को? डीसी ऑफिस में इन्फॉर्मेशन जा चुका है, गाड़ी घूम घूम के प्रचार भी की है। बोकारो से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, तेनुघाट डैम का 8 फाटक खोला गया है। सुबह 11 बजे ही डैम का 6 फाटक खोला गया था। तेनुघाट डैम से दामोदर नदी में पानी भी छोड़ा जा रहा है। 8 फाटक से करीब 19,700 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। बोकारो रामगढ़ जिले में लगातार बारिश हो रही है और डैम का जलस्तर जब बढ़ गया तो 8 फाटक अब खोल दिए गए। तो बड़ी खबर आपको बोकारो से बता रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि अब डैम के फाटक भी खोले जा रहे हैं, क्योंकि बोकारो और रामगढ़ में लगातार हो रही बारिश की वजह से तेनुघाट डैम का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया और ऐसे में एक और फाटक अब खोला गया है। कुल मिलाकर कहें तो 8 फाटक तेनुघाट डैम के खोल दिए गए हैं। आज सुबह 11 बजे 6 फाटक खोले गए थे, लेकिन जलस्तर ज्यादा होने की वजह से 8 फाटक को खोला गया है और दामोदर नदी में डैम का पानी छोड़ा जा रहा है। 19,700 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। जामताड़ा में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। मौसम का मिजाज बदलने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। झमाझम बारिश के कारण लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अधिकांश दुकानें बंद हैं। मिलाद उन नबी और विश्वकर्मा पूजा की खरीदारी में भी बारिश खलल डाल रही है। मजदूरों का कामकाज भी 2 दिनों से ठप हो गया है। और चाईबासा से आपको अगली बड़ी खबर बता दें, चाईबासा में उफान पर रोरो नदी है। पुल के ऊपर नदी का पानी बह रहा है। चकधरपुर गोयल केरा पुल पर आना जाना बंद हो गया है। चाईबासा प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है और साथ ही नदी के पास नहीं जाने की अपील की गई है। तो बड़ी खबर आपको चाईबासा से बता रहे हैं, जहां रोरो नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है और पानी अब फिलहाल बताया जा रहा है कि पुल के ऊपर से गुजर रहा है। ऐसे में लोगों के सामने आने जाने की भी परेशानी शुरू हो गई है। गढ़वा में जोरदार बारिश के बीच नाले में बहने से प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक की मौत हो गई। मामला रंका थाना क्षेत्र के सिरोही खुर्द पंचायत का है। पुलिस निरीक्षक प्रवीण कुमार ने घटना की पुष्टि की है। घर नहीं पहुंचने पर जब खोजबीन की गई तो गेरुआ उचड़ी के पास नदी के नाले में उनका शव फंसा हुआ मिला, जिसके बाद शव को पुलिस से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गढ़वा जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से भारी तबाही मचाई है। गढ़वा शहर से होकर गुजरी सरसतिया नदी एवं जानो नदी में उफान पर है। अभी भी सरसतिया नदी में कई ऐसे पुलिया है जहां पर पानी ओवरफ्लो जा रहा है। वहीं जानो नदी की बात करें तो यहां पर पानी
जो कल उफान पर थी आज वह स्थिर दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी लगातार अलर्ट जारी है। मौसम विभाग की माने तो गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार को अलर्ट पर रखा गया है। इसे लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है। गढ़वा शहर के चारों नदी पुल पर अभी हम खड़े हैं। यहाँ पर कल इसी जगह पर पानी उफान मार रही थी, लेकिन आज जो यह पानी है वह स्थिर बनी हुई है। वहीं बात करें तो रंका थाना क्षेत्र में एक नदी में एक व्यक्ति की बहने की सूचना मिल रही है, जिससे उसकी मौत हो गई है। चंदन कश्यप, न्यूज 18 गढ़वा। दुमका में बारिश से भारी तबाही मची हुई है। मसानजो डैम के पास भूधसान हो गया है। अब भूधसान की वजह से दो दुकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रानी बहाल शेद पहाड़ी पथ पर यह हादसा हुआ। दुकानों को चपेट में लेते हुए जमीन अचानक धंस गई, जिसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त दुमका से बता रहे हैं और तस्वीरें वहां की आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां बताया जा रहा है अचानक भूधसान हो गया और इसमें जानकारी के मुताबिक दो दुकान अचानक से धरती के अंदर समा गए। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण पिछले दो दिनों से पूरे झारखंड में लगातार बारिश हो रही है। झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड और येलो अलर्ट जारी किया है। गुमला में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। सड़कों और गलियों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बारिश के कारण सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं रामगढ़ में भी दो दिन से लगातार हो रही बारिश से दामोदर और भैरवी नदी सहित कई और सारी नदियां भी उफान पर पहुंच चुकी हैं। रजरप्पा मंदिर के पास पूजा सामग्री और प्रसाद की दुकानें पूरी तरह जैसे बह गई। पतरातू डैम का जलस्तर 1328 फीट आरएल पहुंचने के बाद आज सुबह डैम का तीसरा फाटक भी खोल दिया गया और लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील भी की गई। जमशेदपुर में भी पिछले तीन दिन से लगातार हो रही बारिश लोगों का जनजीवन काफी अस्त व्यस्त कर चुका है। जमशेदपुर से सटे सरायकेला के कपाली में बारिश और नाली का पानी सड़क पर आ गया है। बड़ी संख्या में लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, जिससे लोगों की परेशानी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। जमशेदपुर के आजाद नगर नाले पर बना जबीर पुल पूरी तरह डूब चुका है। लोगों का दावा है कि बारिश ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गाड़ियों को कंधा पे ले जाना पड़ता है।